the girls with their nails done. तो स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो पे, और हमको पुराने डेवलॉग पे कमेंट आया था, इफ यू वांट टू मेक 3D गेम्स थ्रू ठीक है, तो हमको ये आइडिया अच्छा लगा, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा एडिटिंग किए, ओके, क्योंकि ये वाला जो आइडिया है ये हम मे बी नेक्स्ट वीडियो में कर सकते हैं एग्जैक्टली ये आइडिया, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हम आइडिया थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। तो सबसे पहले बना लेते अपना टू डू लिस्ट, तो जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट लोड हुआ हम सबसे पहले कुछ कुछ इम्पोर्ट करने लगे, जैसे हम अपने लास्ट डेवलप की गलती से सीखे थे, वो बहुत गंदा गेम बना था मेरा और उसमें ग्राफिक्स तो एकदम ख़त्म था, तो हम अपना दिमाग लगाए और सोचे कि जो डिफ़ॉल्ट स्काईबॉक्स है हम उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारा चीज़ इस बीच में हम लर्न किए थे एंड ये प्रोजेक्ट के बीच में भी हम बहुत चीज़ लर्न किए, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्काईबॉक्स चेंज करने लगे, एंड स्काईबॉक्स चेंज करने के बाद मेरा सबसे पहला पॉइंट था कि हमको एक प्लेयर बनाना है जो कि फेयरली इजी है मेरे लिए, वो मेरे पास ऑलरेडी कोड्स है, सेटअप किया हुआ है सब, तो हमको थोड़ा मोड़ा ट्वीकिंग करना है एंड मेरा गेम के लिए प्लेयर बन जाएगा, ओके। तो जब मेरा कैरेक्टर मूवमेंट सेटअप हो गया तो एक दो बग्स जैसे कॉमनली हमको मिलता रहता है, हमको वही बग सब मिला, जैसे कि मेरा प्लेयर है अगर हम फॉरवर्ड बटन दबा रहे तो वो लेफ्ट राइट जा रहा है एंड बैकवर्ड दबा रहे तो समथिंग लाइक दैट। वो इसलिए होता है क्योंकि हर गेम में मेरा प्लेयर का रोटेशन डिफरेंट होता है जिसके कारण मेरा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस चेंज हो जाता है, तो हम उसको फिक्स किए एंड हम एक और बग चेक किए, जैसे कि लास्ट टाइम आया था कि हम जब दीवार में जाते हैं ना तो हमको आर पार दिखने लगता है, ठीक है, तो वो मेरा कैमरा का पोजिशन के कारण होता है, तो हम उस चीज़ को भी फिक्स कर लिए, ओके। तो ये एक शूटर गेम था, शूटर गेम में मेन चीज़ क्या होता है, गन, ओके। तो हम क्या किए, सबसे पहले हम एक गन का एक मॉडल ऐड कर लिए क्योंकि हमको खुद से नहीं बनाना था, तो हम यूनिटी एसेट स्टोर पे गए, हम गन का मॉडल ऐड किए इसमें एंड हमको गन का एनिमेशन सेटअप करना था एंड हम नया नया चीज़ भी सीखे, जैसे कि रे कास्टिंग क्या होता है, उसे इंस्टेंशिएशन कैसे होता है, ये सब भी सीखना था, इंस्टेंशिएट हमको कुछ नहीं पता था, सब हम रे कास्टिंग के साथ सीखे, तो वो सब चीज़ सीखने के बाद हमको गन का एनिमेशन भी डालना था एंड हमको एक पार्टिकल बनाना था यूनिटीज पार्टिकल सिस्टम के साथ। क्या तुमको नहीं पता यूनिटीज पार्टिकल सिस्टम क्या होता है, ठीक है, तो हम बताते हैं। यूनिटीज पार्टिकल सिस्टम एक पार्टिकल सिस्टम है जो कि यूनिटी के अंदर है एंड वो यूज होता है यूनिटी के प्रोजेक्ट्स में पार्टिकल्स ऐड करने के लिए, ओके। तो जैसे मेरा पार्टिकल एनिमेशन एंड रेकास्टिंग कम्प्लीट हो गया, तो ये रहा मेरा फाइनल गन। अच्छा, अब हमको ऐड करना था एनिमीज अपने गेम में, और एनिमीज ऐड करते वक्त हमको बहुत सारा चीज़ माइंड में रखना था, जस्ट लाइक एनिमीज हम लोग पे शूट कर सके, एक उसका अटैक रेंज होगा, एक उसका साइड रेंज होगा, साइड रेंज पे वो हमको फॉलो करेगा, अटैक रेंज पे वो आके रुक जाएगा और उसके बाद मेरे पे शूटिंग शुरू करेगा। ये चीज़ समझने में बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया मेरा, ये हमको करने में एटलीस्ट 2 दिन लगा, हमको प्रोजेक्ट बंद करके रात में बैठ के सोचे है कैसे होगा, यूट्यूब पे बहुत सारा ट्यूटोरियल देखे, डॉक्यूमेंट पढ़ गए पूरा एकदम अच्छे से, फिर भी नहीं समझ में आया, यूट्यूब पे उसके बाद हम क्या किए, ट्यूटोरियल रोके, उसको अंडरस्टैंड किया अच्छे से, उसके बाद प्रैक्टिकली सॉल्व करने आए, तब जाके मेरा बना है। हमको नैवमेश भी सीखना पड़ा उस समय कि नैवमेश कैसे काम करता है, पूरा नहीं सीखे लेकिन थोड़ा सा सीखे नैवमेश काम कैसे करता है एंड उसके बाद जाके ये एक एनिमी बना है मेरा। एनिमी में किसी चीज से कमी नहीं लग रहा है, एनिमी शूट भी तो करना चाहिए हमको, गेम का तो तब मोटिव ही नहीं रहेगा कोई चीज, ओके। तो हम एनिमी को शूटिंग ऐड किए, इसमें हम एक वेपन भी ऐड किए, थोड़ा मोड़ा बग फिक्सेस किए एंड उसके बाद मेरा ये रहा फाइनल आउटपुट। अच्छा, तो हम इसमें तुम लोगों को कुछ पॉइंट नोट करवा देते हैं, ठीक है। सबसे पहला, मेरा रॉकेट लॉन्चर काम नहीं करता है, मतलब रॉकेट लॉन्चर भी चलेगा तो सिर्फ रॉकेट गिरेगा, गेम बहुत लैग कर रहा है उसको इग्नोर करना, एंड स्क्रोल से एंड नंबर से हम लोग गन चेंज कर सकते हैं एंड ये एनिमी बहुत डेंजरस है, हमको सीधे नीचे गिरा देता है, इसमें हम लोग 6 हिट में इस एनिमी को ख़त्म कर सकते हैं, ये हम लोग को 5 हिट में ख़त्म कर सकता है एंड यहीं तक अभी हम पहुँचे। ये करने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और मेरा प्रीबोर्ड भी चल रहा है जिसके बीच में हम ये काम कर रहे हैं,
बहुत ज्यादा थकने के कारण हम इस अभी का काम खत्म किए। ओके, तो हम क्या सोचे कि सिंपल सिंपल रॉकेट अच्छा नहीं लगेगा, तो हम क्या करते हैं, रॉकेट में सबसे पहले शूटिंग के लिए एक पार्टिकल ऐड करते हैं एंड फिर एक ब्लास्ट पार्टिकल ऐड कर देते हैं। एंड ये दोनों पार्टिकल ऐड करने के बाद ना रॉकेट एक्चुअल में अच्छा लग रहा था। हम सोचे ना उसके बाद मेरा लाइफ बहुत ईजी हो गया है, अब मेरे पास ज्यादा काम बचा नहीं है, हम बहुत जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट खत्म कर लेंगे। लेकिन फिर आता है मेरे लाइफ में एक बग। ठीक है, उसके बाद हम बग फिक्स किए एंड बहुत बोरिंग काम सब किए, बहुत ज्यादा, जस्ट लाइक हमको बनाना था मेरा फर्स्ट लेवल एंड हम एक ही लेवल बनाए जो कि बहुत हार्ड है। हमको फिर लेवल में जी यू आई लगाना पड़ा, हेल्थ बार बनाए, गेम पॉज बनाए, एक्स्ट्रा चीज सब हम कंप्लीट किए, सीन्स बनाए एंड फाइनली मेरा गेम ऑलमोस्ट 2 से 4 दिन में कंप्लीट हो गया। ओके, गेम सब अच्छे से काम कर रहा है, मेरा मेन मेन्यू भी है, मेरा कंट्रोल्स भी अच्छे से शो हो रहा है। हम क्या कर दिए ना गेम में, एक तो इतना टफ बनाया, ऊपर से जब तक तुम सारे एनिमी को नहीं मारोगे तुम्हारा गेम नहीं खत्म होगा, खेलते रहो। अब मेरा भी गेम नहीं खत्म हो रहा है। तो होपफुली तुम लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पुराने से अच्छा, बहुत अच्छा गेम बना दिए, वाओ। तो अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।